guys, welcome to Mechanical Designer. Please subscribe my channel for development and infrastructure type of videos. Guys, मेरा channel में स्वागत है. मेरा channel को subscribe कर दीजिए, like, share and subscribe करना ना भूलिए. तो Bengal News का fresh and पहला episode में आपको स्वागत है. तो Bengal News में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग West Bengal का development infrastructure, new office space का ऊपर जो videos होता है उसका बारे में हम लोग बात करते हैं. तो इस week का जो Bengal News है उसका बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. जो फ्रेश एंड फ्रेश न्यूज आ रहा है उसका बारे में है. बहुत ही जल्द कोलकाता 4 ईयर्स के अंदर बैंकॉक, थाईलैंड, म्यांमार के साथ कनेक्टेड हो जाएगा. 4 ईयर्स के अंदर ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्टिंग प्रोजेक्ट आ रहा है वेस्ट बंगाल के साथ, जिससे वेस्ट बंगाल का कोलकाता शिलीगुड़ी एंड नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टेड होगा. उसके साथ जो बगल का जो देश है म्यांमार, और म्यांमार का थ्रू बैंकॉक के साथ भी थाईलैंड के साथ, कंबोडिया के साथ पूरा रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट होगा, जिससे वेस्ट बंगाल, जिसके साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर है जैसा बांग्लादेश एंड नेपाल, इस जो भूटान जो इंटरनेशनल बॉर्डर से, तो वेस्ट बंगाल चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के मामले बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग 4 साल के अंदर देख सकते हैं कोलकाता के साथ आपका बैंकॉक के साथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हो जाएगा. उसके बाद जो न्यूज आ रहा है कोलकाता का रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड कोलकाता में जो बिग स्काई से पर बनने जा रहा है 33 स्टोरेज ट्विन टावर्स बनेगा, जो होगा कोलकाता का जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है उसमें. कोलकाता का जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो पार्क स्ट्रीट एरिया में और जो एरिया में होता है, जिस जगह में ज़्यादातर पुराना ऑफिसेस था, उस जगह में एक बिजनेस पार्क बनाएगा, जो बनाएगा कवेंद्रा ग्रुप, जो आपका 33 स्टोरेज ट्विन टावर होगा, जो हम लोग कोलकाता के रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड रिवर का से जो हम लोग स्काईलाइन है उसका बारे में भी हम लोग देख सकते हैं. उसके बाद वेस्ट बंगाल में एक न्यू ब्रांड न्यू एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो मालदा का पास गाजोल में होगा, जो 500 एकड़ आपका लैंड एरिया में होगा, जिसका रनवे लेंथ होगा 2000 मीटर्स. 2000 मीटर वेस्ट बंगाल में जो नॉर्थ बंगाल का एयरपोर्ट है बागडोगरा एयरपोर्ट, उसका भी रनवे लेंथ 2000 मीटर का आसपास है. तो आप लोग देख सकते हैं गाजोल में, जो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं मालदा का आसपास है, जिस जगह में नया एयरपोर्ट होगा. और इस मालदा का आसपास होने से मुर्शिदाबाद एंड नियर बाई जो आपका बिहार का साइड का आदमी लोग है, जो लोग कोलकाता एयरपोर्ट एंड पटना एयरपोर्ट को यूज़ करते हैं, तो उसका बार सब्स्टिट्यूट होके गाजोल भी एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस होगा. तो वेस्ट बंगाल एक नया एयरपोर्ट को मिल रहा है. उसके बाद एक बिग न्यूज़ जो आ रहा है वो है डीवीसी 2030 का अंदर उसका जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसको डबल करेगा. डीवीसी जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है वो दुर्गापुर में 800 मेगावाट का पावर प्लांट बनाएगा. रघुनाथपुर, जिस जगह में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत इंडस्ट्रियल पार्क रघुनाथपुर इंडस्ट्रियल पार्क बना रहा है, उस जगह में 1320 मेगावाट का बिग पावर प्लांट प्रोजेक्ट आएगा, जो उस एरिया में और रघुनाथपुर का डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका पालन करेगा. उसके बाद आता है जास्पे बोल के एक फिनटेक कंपनी, जो कोलकाता का सेक्टर 5 एरिया में अपना एक नया ऑफिस स्पेस बनाया है, जिससे हम लोग देख सकते हैं फिनटेक कंपनी कोलकाता में इन्वेस्ट कर रहा है. उसके बाद एक बिग न्यूज़ जो आ रहा है, जो रिसेंट टाइम में IQVIA बोल के एक US कंपनी है जो हेल्थ साइंस का ऊपर काम करता है, वो कोलकाता में इसका ऑफिसेस ओपन किया है. तो आप लोग देख सकते हैं लाइफ साइंस का कंपनी एंड फिनटेक हर एक टाइप का कंपनी कोलकाता में ऑफिस खुल रहा है. जो अपना जॉब बोल के एक जॉब पोर्टल है उसका रिसेंट रिपोर्ट्स आया है कोलकाता में, उसका जो कोलकाता में जो टोटल कंपनी का हायरिंग है वो 40% इंक्रीज हुआ है. तो कोलकाता में नॉट ओनली आईटी जॉब्स के साथ दूसरा टाइप का जॉब्स भी बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत पोस्टिंग हो रहा है.
उसके बाद आ रहा है भंडे बाड़ोत एक्सप्रेस के ऊपर जो हावड़ा टू आजिमगंज एंड हावड़ा टू भागलपुर के ऊपर वंदे भारत एक्सप्रेस का नया रूट चालू हो रहा है। तो बहुत ही जल्द लालगोला तक भी वंदे भारत चलेगा। तो वेस्ट बंगाल नया दो वंदे भारत रूट भी मिल रहा है वेस्ट बंगाल को, जो वेस्ट बंगाल का कनेक्टिविटी एंड वेस्ट बंगाल का रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद एक बिग न्यूज़ आ रहा है, क्या है, यूके गवर्नमेंट ऑलरेडी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, जो यूके वेस्ट बंगाल का वर्कफोर्स को रिस्किल करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ऊपर, जो बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद आ रहा है 30 एकड़ में GIS ग्रुप छात्रागाछी में एक मेडिकल सिटी बनाएगा, जिस जगह में होटल, ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम ये सब होगा। तो बहुत ही जल्द छात्रागाछी हावड़ा एरिया में एक बिग हेल्थ सिटी भी हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसे टाइप के वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और बंगाल वेस्ट बंगाल का नया नया डेवलपमेंट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू ऑल।